पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों के परिवार की मदद के लिए स्कूली बच्चे आगे आए हैं। कानपुर के एक निजी स्कूल के छात्र और छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी से 4 लाख से ज्यादा रुपए जमा कर कानपुर मंडलायुक्त को सौंपे हैं, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जाएगा। BNSD शिक्षा निकेतन स्कूल के छात्र और छात्राओं के इस पहल की मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा ने सराहना की। कानपुर मंडलायुक्त ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का जज्बा दिखाया है। देखिए, बहुत ही सराहनीय ये प्रयास है BNSD शिक्षा निकेतन के बच्चों के द्वारा। पुलवामा घटना के शहीद परिवारों के प्रति जो संवेदना इन बच्चों ने व्यक्त की है और जिस तरह से 4 लाख रुपए एकत्र किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे मन से, तहे दिल से इन बच्चों की, इनके परिवार के सदस्यों की और इस विद्यालय प्रांगण पूरे परिवार की मैं तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। बच्चों ने राष्ट्र प्रेम का एक जज्बा दिखाया है। ये जाहिर करता है कि यहाँ के बच्चों में वो संस्कार मौजूद हैं जो जब कभी भी आवश्यकता हो इस देश को, वो राष्ट्र प्रेम वाले, वो उच्च कोटि के चरित्रवान नागरिक यहाँ से निकलें, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इन बच्चों ने देश के प्रति जो प्यार दिखाया वो तारीफ के काबिल है, लेकिन उनका ये जज्बा यहीं पर खत्म नहीं होता है। बच्चों की माने तो आगे चलकर सेना में भर्ती होंगे और सीमा पर देश की रक्षा करेंगे। अभी हम लोगों ने अपनी पॉकेट मनी जो पैसा दिया है देश के जवानों के लिए, उनके शहादत को नमन करते हुए उनको जो सांत्वनाएं दी हैं, अभी हमारे लिए इतना पर्याप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस एज ग्रुप में हम हैं उसके लिए काफ़ी है। अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ाई करेंगे और इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जो कुछ ही बनेंगे उससे देश की सेवा करेंगे। हमारे कई मित्र सेना में जाएंगे, हम देश की सेवा करेंगे, देश को आगे ले जाएंगे और एक देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अपने पॉकेट मनी से पैसे लेकर इस पुलवामा में जो हुए आतंकी हमलों में अपनी सहयोग राशि दी है और हम चाहते हैं कि ये सहयोग राशि उन लोग के पूरे काम आए और उनके परिवार वालों को इसकी जरूरत है, उसके लिए काम आए। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद हर कोई अपने अपने हिसाब से शहीद जवानों के परिवार की मदद कर रहे हैं और जो इन बच्चों ने किया है उसके बाद हर कोई इन बच्चों की तारीफ कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।